और सांख्यिकी में काल श्रेणी का विश्लेषण एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम ऐसे सांख्यिकी आंकड़ों का अध्ययन करेंगे जिसमें समय अथवा काल के अनुसार परिवर्तन होता है। समय का माप वर्ष, मास, सप्ताह अथवा दिन हो सकता है। निम्न आंकड़ों से काल श्रेणी का स्पष्ट होगा। टेबल ए, टाइम 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007। वीट प्रोडक्शन दिया गया है हरियाणा में 12 टन 2001 में, 2002 में 15 टन, 3 में 18 टन, 4 में 16 टन, ये सारी संख्याएं लाखों में। इसी तरह दूसरा टेबल मंथ के आधार पे है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। सेल्स ऑफ कार्स ऑफ फर्म ए 120 जनवरी में, फरवरी में 130, मार्च में 155, अप्रैल 140, मई 165, जून 158। टेबल सी डेज के आधार पर दिया गया है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। प्रोडक्शन ऑफ स्टील पाइप्स ऑफ फर्म बी इन मीटर्स, संडे को 1200 मीटर, मंडे को 1400 मीटर, ट्यूसडे को 1500 मीटर, वेडनेसडे को 1550, थर्सडे 1610, फ्राइडे 1480, सैटरडे 1650। इन तीनों उदाहरणों में समय परिवर्तन स्वतंत्र चर मूल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तथा समय के साथ आंकड़ों में होने वाला परिवर्तन आश्रित चर मूल डिपेंडेंट वेरिएबल है। काल श्रेणी के विभिन्न उदाहरण हो सकते हैं, जैसे देश में विभिन्न वस्तुओं का होने वाला उत्पादन, किसी व्यवसायिक संस्था का उत्पादन अथवा बिक्री, वार्षिक राष्ट्रीय आय, बैंकों द्वारा मासिक दिया गया अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट अथवा ऋण, लोन, संस्था का दैनिक वस्तु उत्पादन आदि। काल श्रेणी का मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज। काल श्रेणी का शाब्दिक अर्थ है समयानुसार दिए गए सांख्यिकी आंकड़े। यह अनिवार्य नहीं कि समय परिवर्तन वार्षिक हो, समय का माप मासिक, साप्ताहिक, दैनिक, घंटों, मिनटों, सेकंडों के आधार पर भी हो सकता है। काल श्रेणी की कुछ विद्वान ने परिभाषा इस प्रकार दी है, केनियन एम कीपिंग के अनुसार समयानुसार दिए गए आंकड़ों के समूह को काल श्रेणी कहते हैं। क्रॉक्सटन एम काउडन के अनुसार काल श्रेणी में आंकड़े समयानुसार क्रमबद्ध होते हैं। या लून चाउ काल श्रेणी से अभिप्राय विभिन्न समय और एकत्रित आंकड़ों से जो आर्थिक अथवा संयुक्त चरों से संबंधित होते हैं। ये सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि काल श्रेणी के आंकड़े एकत्रित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आंकड़े दीर्घकालीन हों, अर्थात 6 से 10 वर्ष तक के हों, आंकड़ों के माप की इकाई यूनिट ऑफ मेजरमेंट समान हो जिससे कि आंकड़े तुलनात्मक हो सकें। समय का अंतर भी समान होना चाहिए, अर्थात समयबद्ध क्रम समंक हों। यदि समयबद्ध आंकड़े न हों तो अंतर्गत विधि द्वारा आंकड़ों को समयबद्ध क्रम में परिवर्तन किया जा सकता है। काल श्रेणी का विश्लेषण अर्थशास्त्री, व्यवसायी, सरकार, राजनीतिक, सामाजिक संस्थाएं वर्तमान एवं भूतकालीन आंकड़ों की सहायता से भविष्य के अनुमानित आंकड़े जानना चाहते हैं। जैसे एक व्यवसायी 2018 में अनुमानित बिक्री जानना चाहेगा जिससे कि वो अपने उत्पादन को नियंत्रित कर सके, इस प्रकार उसका उत्पादन वस्तु की मांग के अनुसार हो सकेगा। इसी प्रकार अर्थशास्त्री और सरकार आने वाले वर्ष की जनसंख्या का अनुमान लगाना चाहते हैं जिससे खाद्य पूर्ति, स्वास्थ्य, बेरोजगारी की समस्याओं को जाना जा सके व उनके उपाय किए जा सके। यह काल श्रेणी के विश्लेषण द्वारा ही संभव है। काल श्रेणी के विश्लेषण का उद्देश्य निम्न जेड हिर्स की परिभाषा द्वारा स्पष्ट है। काल श्रेणी विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य आर्थिक प्रक्रिया में हुए परिवर्तनों को समझाना, व्याख्या करना,
वह मूल्यांकन करना है ताकि भविष्य में घटने वाले घटनाओं का अनुमान और उसी प्रकार से लगाया जा सके। काल श्रेणी विश्लेषण का महत्व। काल श्रेणी का विश्लेषण केवल अर्थशास्त्रियों और व्यावसायिक संस्थाओं के लिए उपयोगी नहीं है, अपितु सरकार, वैज्ञानिक शोधकर्ताओं, भूगोल शास्त्रियों आदि के लिए भी निम्न कारणों से बहुत उपयोगी। पिछले अनुभव से लाभ। भूतकाल में हुए परिवर्तनों की दिशा का अध्ययन करने से अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और भूतकाल में हुए परिवर्तनों के कारणों को विश्लेषण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। भविष्य के बारे में अनुमान। इन श्रेणियों के अध्ययन से भविष्य में आंकड़ों में होने वाले परिवर्तन के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। वास्तविक आंकड़ों का मूल्यांकन। वास्तविक आंकड़ों का काल श्रेणी विश्लेषण से प्राप्त अनुमानित आंकड़ों से तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और वास्तविक व अनुमानित आंकड़ों के अंतर के विभिन्न कारणों को जान सकते हैं। व्यापार चक्र का अनुमान। प्रिडिक्शन ऑफ ट्रेड साइकिल। व्यापारिक चक्रीय उत्सवों साइक्लिकल फ्लक्चुएशन की सहायता से व्यापार में होने वाले परिवर्तन जैसे समृद्धि, बूम, अवनति, रिसेशन, अवसाद, डिप्रेशन, पुनरुत्थान, रिकवरी का पता चलता है। व्यवसाय इन जानकारी से अपनी क्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है जिससे संभावित हानि से बचा जा सके। विभिन्न काल श्रेणियों का तुलनात्मक अध्ययन। कंपेरिजन ऑफ वेरियस टाइम सीरीज। विभिन्न कालमालाओं के पारस्परिक अध्ययन से अनेकों निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं जैसे विभिन्न देशों की मृत्यु दर, जन्म दर, कृषि उपज दर प्रति हेक्टर, शिक्षा दर आदि को जानकर विभिन्न देशों के बारे में जाना जा सकता है। सार्वभौमिक उपयोगिता। यूनिवर्सल यूटिलिटी। इन श्रेणियों की उपयोगिता केवल व्यवसायी व अर्थशास्त्रियों के लिए नहीं बल्कि प्राय सभी क्षेत्रों में जैसे सरकार, कृषक, राजनीतिक, सामाजिक संस्थाएं, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों आदि के लिए भी इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता होती है। थैंक यू।